जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, राम सी मर्यादा कृष्ण सी चपलता, राम सा त्याग और कृष्ण सा प्रेम, राम सा धनुष और कृष्ण सी बंसी होनी चाहिए। यहां धनुष लेकर के धर्म की स्थापना राम करते, वहीं बंसी बजाकर हमारे कन्हैया प्रेम का पाठ पढ़ाते। लेकिन याद रखना, केवल भगवान कृष्ण बंसी नहीं बजाते, भगवान कृष्ण बंसी के साथ साथ चक्र से दर्शन भी चलाना चाहते। वो केवल गोपियों को नाच नहीं नचाते, वो महाभारत में योद्धाओं को भी नचा कर जानते। कृष्ण परिपूर्ण, कई लोग अंतर बताते कि राम परिपूर्ण नहीं है, कृष्ण परिपूर्ण। हम कहते राम और कृष्ण दोनों में ठीक इतना अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है। दोनों एक। लेकिन आज हमने आपको कहा कि हम आज भगवान राम और भगवान कृष्ण की विपरीत परिस्थिति बतलाएं, दोनों में क्या समानता है। और आप सुनकर के चौंकेंगे, माई बाप आपने कभी भी नहीं ऐसा सोचा होगा कि ऐसी भी कथा हो सकती। राम जी हमारे दिन में 12 बजे जन्म लेते हैं, तो हमारे कन्हैया रात को 12 बजे आते। एक आते तो उजाले में आते हैं, और ये भाई साहब हमारे कन्हैया अंधेरे में चले आते। ठाकुर जी कितने विचित्र, राम जी 4 भाई लेकिन ठाकुर जी 8 भाई, देवकी के 8 में। राम जी 4 भाई, हमारे ठाकुर जी कितने विपरीत है, 8 भाई है हमारे ठाकुर जी। राम जी 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई, राम जी 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं, हमारे ठाकुर जी 8 भाइयों में सबसे छोटे। कितना अंतर नहीं, राम जी एक विवाह करते हैं और ठाकुर जी अनेक। रघुनाथ जी तो एक ही पत्नी मृतधारी है श्री जानकी, लेकिन हमारे ठाकुर जी चले आओ, जय जय चले आओ, गिनती के सुन ना पड़ पाए हमारे जो सो बुधुआ आदमी, लेकिन ठाकुर जी चले आओ बकरी में। हाँ, तो राम जी विवाह एक, ठाकुर जी के विवाह अनेक। अब और क्या विपरीत परिस्थिति है, राम अवतार में हमारे राम जी के माता पिता एक हैं। कौन कौन, कौशल्यानंदन और दशरथ नंदन श्री राम, भगवान कौशल्यानंदन और दशरथ। लेकिन ठाकुर जी हमारे कन्हैया के दो माई बाप, एक दिन के माई बाप एक रात। रात के माई बाप कौन, रात के माई बाप हैं देवकी और वसुदेव जी, दिन के माई बाप हैं यशोदा जी और नंद बाबा जी, इसलिए इनको देवकी नंदन, यशोदा नंदन और भैया वसुदेव नंदन कहते, वासुदेव भी कहते और इनको नंद नंदन भी कहते।